ये ना रिपब्लिक के पास एक जगह है, वो नहर है, वो देखें वो नहर सामने से ऊँची है, तो वो ये डायरेक्ट बंद कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से बंद कर दिया ताकि उधर का पानी ऊपर ही रहे और यहाँ से पानी डिस्चार्ज करते हैं वहाँ से। जब ये कश्ती नीचे हो जाती है तो वहाँ से खोलते हैं। अब ये देखें वो जो आगे वाला पानी था उसका और इसका लेवल एक जैसा हो गया। ये देखिए ये लेवल नीचे है, वो लेवल ऊपर है। अब आगे जाके वहाँ से फिर ये बंद करेंगे। देखिए यहाँ से पानी छोड़ दिया ताकि ये पानी का लेवल और उस पानी का लेवल एक जैसा हो जाए, तो ये कश्ती जो है फर्दर नीचे चली जाएगी। वो पीछे से जगह ऊंची थी, उसको नीचे लाया। अब ये तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा दोबारा इसको नीचे लेके जाना है और ये फिर ये सुरंग में से निकल जाएगी। देखें कश्ती नीचे जा रही है, बहुत I know it's a sad story, yes. We do.
personne pour confirmer l'hypothermie ni la mienne. Voilà. C'est pas méchant hein, ce que je dis, hein. C'est juste que l'histoire, voilà, c'est une interprétation. Bien, les portes de devant vont donc s'ouvrir et nous allons donc pouvoir nous engouffrer à l'intérieur de cette magnifique voûte. Elle est composée de trois parties, la partie la plus large et la plus récente, la voûte du temple. Ensuite, nous traverserons la partie la plus longue, la voûte des chairs de noir, et nous terminerons par la partie la plus étroite et la plus ancienne, la voûte de la Bastille. Alors cette voûte, elle a été construite entre 1825 et 1908. So the door is composed with three parts, the largest and the rest of the part called the temple door, the longest part of the chair. ग्राउंड लेवल से कितना नीचे है तो ये कश्ती को वो ऊपर वो देखिए ऊपर है वहाँ पे नहर वो उस ग्राउंड लेवल से नीचे लेके गए हैं पानी को कश्ती को और आगे चली गई इस ट्रेन से मैं उतरा हूँ विलिये लोबेल पे गार्डिन नॉर्थ से पकड़ी थी ये डी लाइन है डी नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन थी तो विलियर वेल पे उतरूँ 20 मिनट लगे हैं तो अभी मैंने बस पकड़नी है बस नंबर 23 या 36 ताज रेस्टोरेंट जाने के लिए मैं इस वक्त बास्ती में आया हूँ ये यहाँ पे ना किसी ज़माने में एक कला हुआ करता था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ 1789 में तो उसको मसमार कर दिया गया तभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है सारी बिल्डिंग्स नहीं बनी हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके में और जब यहाँ पे म्यूज़िक फेस्टिवल होता है तो ये इलाका भरा होता है रश होता है काफ़ी यहाँ पे नहर भी है
Thank you.
Thank you.